बिनावली रूरल्स लायंस क्लब अभिनव द्वारा नेत्र जांच, दंत चिकित्सा सहित रक्तदान शिविर आयोजित की गई। यह बता दें कि यह कार्यक्रम बिनावली चाय बागान अस्पताल में आयोजित हुई थी, जहां चाय बागान के श्रमिकों ने नेत्र जांच एवं दंत परीक्षण तथा अंत बीमारियों के उपचार के लिए अपना जाँच करवाया। वहीं इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी आयोजित की गई, जिनमें चाय बागान सहित अन्य इलाके के लोगों ने रक्तदान कर आज के इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिनागुड़ी पुलिस आउटपोस्ट के प्रभारी अमिया वर्मन एवं चाय बागान के प्रबंधक व सहायक प्रबंधक सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह बता दें कि बिनागुड़ी लायंस क्लब अभिनव महिलाओं द्वारा चलाया जाता है, जिनके द्वारा कई प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाते हैं। आज के यह कार्यक्रम अभिनव द्वारा ही आयोजित की गई थी। इस कार्यक्रम में बिनागुड़ी डुअर्स लायंस क्लब अभिनव के सभापति उपासनगर की साधारण सचिव अदिति शाह, कोषाध्यक्ष नीता राय सहित कई लायंस क्लब अभिनव के सभी सदस्य ने अपना पूर्ण योगदान दिया। बिनागुड़ी चाय बागान अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर समीर सरकार ने भी अपना रक्तदान किया और महिलाओं द्वारा किए गए इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। दर्शकों, आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज, और आपको बता दें कि बिनागुड़ी लायंस क्लब अभिनव की ओर से रक्त संग्रह करने का यह अभियान जो शुरू किया गया है, ये आज बिनागुड़ी अस्पताल में, यहाँ पर देख रहे हैं चाय बागान के हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति अगर रक्तदान करते हैं तो उससे चार जिंदगियां बचाई जाती है, और इस अभियान में बिनागुड़ी की महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे ले रही हैं अभिनव के तरफ से। और यहां एक बिनागुड़ी के युवा हैं जो पहली बार रक्तदान करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है अनिल जी आपको पहली बार जो रक्तदान कर रहे हैं? तो मतलब आप रेडी हुए हैं, तो कितनी उम्र है आपकी? 46 पहली बार दे रहे हैं आप? जी हाँ। तो देखिए, ये पहली बार रक्त दे रहे हैं, और आपको रक्त देने के लिए कोई प्रेरित किया कि अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं? स्वेच्छा से दिया, क्योंकि मुझे लगा क्योंकि ब्लड देने से अगर किसी का ध्यान बचता है, क्योंकि ये इंसिडेंट मेरे ससुर जी के साथ में हुआ है, मुझे ब्लड का बहुत ज़्यादा दरकार था उस समय। बेचारा हमारा ये सराफात भाई और ये हमारा मनोज भाई ने बहुत हेल्प किया, मतलब लायंस क्लब से आपको हेल्प किया गया था, इससे आपको प्रेरणा मिली कि खुद भी रक्त दान करें। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को प्रेरणा मिलती है लायंस क्लब के द्वारा, लोगों को रक्त की जब जरूरत होती है अस्पतालों में तो उन्हें यहाँ से सहायता मिलता है और रक्त मिलता है। तो यहाँ अभिनव की बहुत सारी महिलाएँ यहाँ पर हैं, और ये अभिनव बिनागुड़ी लायंस क्लब की प्रेसिडेंट है, इन्हीं से इनके बारे में पूछते हैं। और ये आप लोग आज रक्तदान शिविर का कार्यक्रम अभिनव के द्वारा पहली बार किए हैं? जी जी जी। तो कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहेंगे आप इसके उसको लेकर? जी, इस बार हम लोग सोलो कर रहे हैं ये रक्त शिविर, तो बहुत ही उत्सुक है। अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को ब्लड डोनर इस बार मिले, और आशा भी करते हैं कि हम लोग को मिलेंगे। बहुत सभी देख सक रहे हैं, और भी मेंबर्स हैं जो आने वाले हैं, सभी को बहुत दिनों से काम में जुटे हुए हैं, तो कोशिश करते हैं 50 से ज़्यादा उठे। और अच्छा मैडम, यहाँ नज़दीक में बीरपड़ा बैंक ब्लड बैंक है, यहाँ नज़दीक के अस्पतालों में भी आप लोग अगर ये काम करेंगे तो यहाँ के लोकल लोगों को भी फायदा होगा। जी जी जी, बिल्कुल। जैसे कि पिछले बार भी हम लोग ने किया था, हम लोग दोनों क्लब मिल के किए थे, तो पिछले बार हम लोग बीरपड़ा क्लब हॉस्पिटल से ही हम लोग ने किया था। तो इस बार हम लोग सोचे कि जब सोलो हमने कर रहे, तो थोड़ा सिलीगुड़ी से हम लोग मदद लिए हैं, इस बार का हम लोग प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा लिए हैं हम लोग, तो नेक्स्ट टाइम फिर जब भी हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग लोकल का लेके, बानाहाट का हो या बीरपड़ा का हो। बीरपड़ा में ही इधर ब्लड बैंक है? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर सोचेंगे कि जब भी करेंगे तो लोकल को लेके करेंगे। आपका परिचय? जी, मैं उपासना करके लायंस क्लब ऑफ बिनागुड़ी अभिनव की प्रेसिडेंट। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैडम, कैसा लग रहा है आप लोग आज रक्तदान शिविर आयोजित किए हैं बिनागुड़ी चाय बागान के अस्पताल में, कितने लोगों का रक्त संग्रह होने का आशा है? बहुत अच्छा लग रहा है हम ये प्रोजेक्ट करके, और हम ये आशा है कि कम से कम 50 पक्का होगा। आपका परिचय और क्या कहना चाहती हैं आजकल के लोगों को जो रक्तदान देने से पीछे हटते हैं? हमारे हिसाब से तो सबको रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकता है, एक ब्लड से 3 लोगों का जान बच सकता है, तो हम क्यों नहीं रक्तदान करें। कह रहा है कि बिनागुड़ी अभिनव की ओर से आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
कई तरह के सोशल कार्यक्रम करते हैं और आज रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा कितनी खुशी है आप लोगों का पहली बार आप लोग ये कार्य कर रहे हैं। देखिए पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है कि हम लोग पहला ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे, लेकिन हम लोग का पहला साल पिछले बार था तो बस हम लोग अब मतलब देखा कि किस तरह से ये सब चीज़ें आयोजित किया जाता है। अभी हम लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो हम लोग ये नया चीज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ब्लड देने से डरते हैं, उन लोग को लगता है कि ब्लड जा रहा है तो कहीं ना कहीं उन लोग के अंदर डर है। वही डर हम लोग को निकालना है कि ब्लड देने से आपका शरीर अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, ना कि आपका शरीर से खून जा रहा है तो आपको कमज़ोरी होगी। तो वही डर हम लोग अगर निकाल दें ना तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मदद मिल जाएगी। बस उन लोग से डर निकालना है और हम लोग को ये बताना है कि ब्लड डोनेट करने से आप शरीर में कोई नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। फायदा होता है, तब जाके हम लोग हेल्दी रहेंगे और हम लोग को जाके बाद में जब ब्लड का ज़रूरत भी पड़ेगा तब हम लोग कहीं ना कहीं से हम लोग को मदद भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों के मन से डर निकालना और उन लोग को ये मतलब ये करना बताना है कि ब्लड देने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, ना कि आप लोग कमजोरी का शिकार हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है। आपका परिचय? मैं अदिति शाह, लायंस क्लब ऑफ अभिनव बिनागुरी का सेक्रेटरी। बिनागुरी लायंस क्लब थे के लायंस क्लब अभिनव लेडीज क्लब थे के आज तो आई कैम्प ब्लड डोनेशन प्लस शुगर चेकअप और तो কি বলেন মহিলাদেরকে মতলব এই রকম যে প্রথম ওনারা যে কাজ করতেছে আপনি কি বলতে চান? ঠিক আছে, এরকম প্রতিটা বাগানে হোক আমি চাই। আর ব্লাডে যায় আমি চাইছি সাধারণ মানুষ হয়তো হসপিটালে যাচ্ছে হয়তো ব্লাড মাইকটা একটু নিচে নিয়ে রাখতে ব্লাড পাচ্ছে না, সেহেতু আমরা চাইবো যে তরুণ ছেলেপিলেরা আসুক। আপনার পরিচয়? আমি সোমেশ সরকার, বিনয় টি গার্ডেন, মেডিকেল অফিসার।